अपने फ्रेंड को। मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, ये मुंबई के रक्षक है, सिद्धि विनायक जी है, मुंबई के रक्षक है और पूरे हिंदुस्तान के रक्षक है, पूरे विश्व के रक्षक है। गणपति बाप्पा की पूजा हम हर शुभ काम करने से पहले गणपति बाप्पा का नाम लेते हैं, तो यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मुझे बुलाया गया। आज इनका ये 50th एनिवर्सरी है, तो यहाँ के बिल्कुल अच्छा लगा। और गिरीश भाई जी, अरे यहाँ देखो दादा, सॉरी गिरीश भाई ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है और साथ में विवेकानंद सोसाइटी वालों के मैं आज 50 साल होते हैं, आदमी एक साल दो साल किधर जाता है किधर आता है, ये जमाना अभी ऐसा हो गया है, शॉर्ट लाइफ। घर से निकलो, घर वापस आने तक कोई गारंटी नहीं रहती। इन लोग तो 50 साल एक साथ मना रहे हैं, ये सब है सिंधी भाइयों की मेहरबानी है, एकजुट रहने का। उसका झाड़ का पौधा है गिरीश भाई, और सब फांदी है हमारे सिंधी भाई लोग। झाड़ जब मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक हिस्सा हूँ विवेकानंद सोसाइटी का, और गिरीश भाई का शुक्रिया करता हूँ, और जितने भी इको फ्रेंडली गणपति जो है मुंबई में, उनको मैं थैंक यू बोलेगा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। विवेकानंद सोसाइटी से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक है, मेरे वालिद भी यहाँ से 27 साल कॉर्पोरेटर लिए हर जगह पे। मुझे लगता है कि मिसाल के तौर पे विवेकानंद सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी है, और जिस ढंग से 50वें सालगिरह को मना रहे हैं यहाँ गणपति बाप्पा मोरिया सबको, और मैं चाहती हूँ कि हर एक मज़हब के लोग, हर एक कौम के लोग और गिरीश कृष्णानी जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनु रजानी जी हमको बड़े दिल से बुलाते हैं, और मेरे लिए तो ये एक परिवार में आना है कि ये खासियत है मुंबई की, ये खासियत है हमारे संस्कृति की, और वो सबको लेके जो साथ चलते हैं, इस बात की खुशी है। आज सिंधी कॉलोनी में गोल्डन जुबली हो रही है, तो ये दर्शाता है, ये साबित करता है कि 50 साल से इस मिट्टी के संस्कृति से जुड़ी हुई ये सारी कम्युनिटी है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। कुछ लोग शो सबसे बड़ी खास बात है कि तो हमारे क्या पड़ोसी हैं, एंड इज़ वेरी नाइस मैन, एंड बहुत बहुत ऑर्गेनाइज है। ये मेरा दूसरा साल है मैं आ रहा हूँ, एंड जी विवेकानंद सोसाइटी अपने आप में एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ जुड़ी हुई सोसाइटी है। अगर हमारे देश की हर सोसाइटी, समाज का हर तबका इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा रहे, तो सही मायनों में जो बाल गंगाधर तिलक है।